राजधानी जयपुर के शिप्रापत थाना इलाके में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में जमवारामगढ़ निवासी ओम प्रकाश और दौसा निवासी शिवराम है, जो त्रिवेणी नगर में पीड़िता के घर के नजदीक किराए के मकान में रहकर नर्सिंग की तैयारी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार युवती अपने कमरे पर दोस्त का इंतजार कर रही थी, इसी दौरान दोनों आरोपी कमरे में आए और उसे धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच में जुट गई है। वहीं खो नागोरियान में भी युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां जयपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी घनश्याम सिंह और विक्रम सिंह ने 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती के अनुसार आरोपियों ने अच्छी कंपनी में जान पहचान होने का हवाला देकर उसे लूनियावास स्थित मकान पर बुलाया और वहां कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।